गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक मुस्कान। क्या नाम है बुक का? मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे ये। हमारे साथ साथ पढ़ना सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। पढ़िए, आम वाला आया। ये है आम वाला और ये आया। अब कैसे है ये? आया आया आम वाला आया। पढ़िए, आया आया आम वाला आया। आम लाया आम लाया। हरा आम पका आम। आठ आम लाया। चार आम इधर रख। चार आम उधर रख। आम काट कर खा। काट काट कर खा। वाह आम वाह। आ राजन आम खा। ये था आपका आम वाला। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। कैसे करना है? चित्रों के नाम से मिलाइए। जो चित्रों के नाम है उससे मिलाइए। देखिए ये क्या लिखा है, इसे पढ़िए पहले। ये लिखा है छाता, तो छाता को छाता से मिलाइए। ऐसे मैचिंग। ये क्या लिखा है? गाजर, गाजर। अब गाजर कहाँ है? यहाँ पे। तो इस गाजर को गाजर से मिलाइए। ये क्या लिखा है? टमाटर, टमाटर। तो टमाटर को टमाटर से मिलाइए। ये क्या लिखा है? बादल, बादल। बादल को बादल से मिलाइए। ये लिखा है अनार, अनार। तो अनार को अनार से मिलाइए। ये है आठ, आठ कहाँ लिखा है? ये रहा, इस आठ को आठ से मिलाइए। ये आपको मैचिंग करनी है। उसके बाद ये है क्वेश्चन आंसर। ये है प्रश्न नंबर वन। आम वाला क्या लाया? अब आम वाला क्या लाया बताइए। अब यहाँ लिखेंगे हम, आम वाला क्या लेकर आया था? आम। आम वाला क्या लाया? आम लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर टू। आम वाला कितने आम लाया बताइए। आम वाला कितने आम लाया? आठ। कितने आम लाया? आठ। यहाँ लिखेंगे आठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम कैसे खाएं? क्या क्वेश्चन है? आम कैसे खाएं? तो आम कैसे खाएं, ये इसमें लिखा है ना, काट काट कर। आप यहाँ लिखोगे काट काट कर खाएं। आम कैसे खाएं? काट काट कर। नेक्स्ट है चित्र का नाम पूरा कीजिए। ये आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? छाता का। तो इसे पूरा कीजिए। छ लिखा है, छ पे आ की मात्रा आएगी आ, और ता पे भी आ की मात्रा ता, छा ता। ये किसका चित्र है? गाजर का। तो इसमें गा लिख नहीं रहा, तो आप लिखोगे गाजर। ये किसका चित्र है? माला का। यहाँ पे माँ लिखा है, आप यहाँ लिखोगे ला। ये किसका चित्र है? आम का। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? आम आ। ये किसका चित्र है? जहाज, ज हा। हा पे आ की मात्रा लगाइए। ये किसका चित्र है? बादल का। यहाँ फिर क्या लिखोगे आप?
बा दलिया लिखा हुआ है। ये किसका चित्र है? तबला का ना, तो यहाँ तब तब लिखा हुआ है, आप लिखोगे ला। ये किसका चित्र है? गम ला, ला यहाँ पे मात्रा लगाओगे क्योंकि ला तो लिखा हुआ है। आगे है चित्र के सही साथ के सही के सामने निचिन्ह का लगाइए। जो चित्र है उसके सामने सही का साइन लगाना है आपको। ये किसका चित्र है? गमले का, तो यहाँ क्या है? ये है गमला और ये है फल, तो गमला पे टिक लगाएंगे या फल पे? गमला पे। ये किसका चित्र है? कान, यहाँ लिखा है नाक कान, तो नाक पे टिक लगाएंगे या कान पे? कान पे। ये लिखा है, ये अनार का चित्र है और यहाँ लिखा है अनार आम, तो आप किस पे टिक करोगे, आम पे या अनार पे? अनार पे। यहाँ लिखा है पाठशाला अखबार, ये है अखबार, तो आप अखबार पे टिक करोगे। नाउ टर्न योर पेज। उचित वर्ण पर आ की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। अब आपको आ की मात्रा लगानी है। ये क्या है? बल, तो आप कैसे करोगे? इसको कर दोगे बाल। ये क्या है? बदल, तो इसको कर दोगे बादल। ये है बज, इसको कर दोगे बाजा। ये है पकवन, तो ये हो जाएगा पकवान। पकवान। ये घगर है, ये हो जाएगा घाघरा। आसमान है, ये हो जाएगा आसमान। क्या हो जाएगा? आसमान। यह है कागज, ये हो जाएगा कागज। यह है टमाटर, इसको कर देंगे टमाटर। यह है जहज, इसको कर देंगे जहाज। ऊंची आवाज में बोलकर पढ़िए, ये आपको रीडिंग करनी है। और ये नीचे दिया है चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। इसमें आपको डॉट डॉट्स बने हुए हैं, इस पे पेंसिल फिरानी है और अम्ब्रेला यानी छाता, तो छाता में रंग भरना है। ओके, थैंक यू।